आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे हिंदी की एक टेस्ट सीरीज में। आइए शुरू करते हैं अपनी एक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? ऑप्शंस हैं मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मौखिक और लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ऑप्शंस हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी, अवधी। सही आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। सही आंसर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म शब्द का समास विग्रह है? ऑप्शंस हैं जीवन पर्यंत, जीवन के साथ, मृत्यु तक, जब तक जी सकें। सही आंसर है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा क्या है? ऑप्शंस हैं शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, शब्द वर्णों से बने होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। सही आंसर है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 7, 10, 5। सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है अनजान, सच, पत्ता, घोटक। सही आंसर इसका घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द होते हैं? ऑप्शन हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है विशेषण क्रिया विशेषण, चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 8। सही आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वाचन कितने होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। सही आंसर इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जय चंदों से होती है रेखांकित शब्द में संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सही आंसर है इसका 1, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता में लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है? ऑप्शन है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कर्ता के अनुसार। सही आंसर इसका पुल्लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पानी, दूध, तेल, ठंडाई। सही आंसर इसका ठंडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो में कारक है? ऑप्शन है करण कारक, आपदान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। सही आंसर हो जाएगा इसका कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 5, 6, 8, 7। सही आंसर इसका 6। सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द में सर्वनाम है? ऑप्शन हैं निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। सही आंसर इसका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है? ऑप्शन हैं अकर्मक, सकर्मक, प्रणार्थक, द्विकर्मक। सही आंसर इसका अकर्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। ऑप्शंस हैं कर्म से, भाव से, कर्ता से, किसी से नहीं। सही आंसर इसका कर्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मैं वाच्य है। ऑप्शंस हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। सही आंसर हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार है। ऑप्शंस हैं रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। सही आंसर हो जाएगा इसका रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शंस हैं भाषा, लिपि, वर्ण, व्यंजन। सही आंसर हो जाएगा इसका भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शंस हैं शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री। सही आंसर इसका शोरसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है। ऑप्शंस हैं भाषा के नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका भाषा के नियम। तो ये हमारे 25 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज थी। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।